आज हम बात करेंगे जनवरी मंथ में होने वाले करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात की जाए 75th एमी अवार्ड्स 2024। तो 75th एमी अवार्ड्स 2024 को जनवरी में हेल्ड किया गया, जिसके अंदर कुछ ड्रामा या वेब सीरीज़ को अवार्ड दिए जाते हैं। तो उसके अंदर इस साल की सबसे अच्छी ड्रामा सीरीज़ को चुना गया है, सक्सेशन को। सक्सेशन ड्रामा सीरीज़ में लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस को भी अवार्ड दिए गए हैं, जिसके अंदर लीड एक्टर हैं किरण कल्किन और लीड एक्ट्रेस हैं सारा स्नूक। ये दोनों के दोनों एक्टर सक्सेशन में काम कर रहे हैं और इन्हें इस सीरीज़ के साथ साथ इनको भी अवार्ड दिया गया है। तो जो 75th एमी अवार्ड्स हैं, ये पूरा का पूरा किसके नाम है? सक्सेशन नाम की वेब सीरीज़ के नाम है। नेक्स्ट है आपका कॉमेडी सीरीज़ को देखा जाए तो कॉमेडी सीरीज़ में द बियर, इसको अवार्ड दिया गया है। बियर का मतलब होता है भालू, तो भालू तो होता ही है मजाक आ रहा सा, तो मजाक करने वाला कॉमेडी करने वाला किसको मिला है? द बियर को मिला है 75th एमी अवार्ड्स। नेक्स्ट बात की जाए फिल्म फेयर अवार्ड्स, जो कि इंडिया में इंडियन एक्ट्रेस एंड इंडियन मूवी को दिए जाते हैं। सबसे बढ़िया फिल्म चुनी गई है 12th फेल। इस साल की बेस्ट फिल्म चुनी गई है 12th फेल। 12th फेल जिसके डायरेक्टर कौन हैं? विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के डायरेक्टर हैं। तो जब बेस्ट फिल्म 12th फेल को चुना गया है, तो ऑब्वियसली सी बात है बेस्ट डायरेक्टर भी 12th फेल के ही होंगे। तो 12th फेल के डायरेक्टर कौन हैं? विधु विनोद चोपड़ा। उसके बाद बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर को किसको दिया गया है? रणवीर कपूर को दिया गया है एनिमल मूवी के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड जो किसको दिया गया है? वो आलिया भट्ट को दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। एंड इस साल के बेस्ट लिरिक्स दिए गए हैं सॉन्ग तेरे वास्ते जो सॉन्ग है ये ज़रा हटके ज़रा बचके मूवी से है। एंड तेरे वास्ते का जो सॉन्ग है ये किसने लिखा है? अमिताभ भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? ये डेविड धवन को दिया गया है। तो एक बार टोटली समराइज कर लेते हैं, इस साल का जो एमी अवार्ड है वो किसके नाम पर गया है? पूरा का पूरा वो सक्सेशन के नाम पे गया है। सबसे बेस्ट सीरीज, सबसे अच्छे एक्टर्स इसी वेब सीरीज़ के अंदर हैं, जिसमें फीमेल के लिए या एक्ट्रेस के लिए सारा स्नूक और एक्टर के लिए किरण कल्किन है। उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 के अंदर बेस्ट फिल्म 12th फेल जिसके डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा, इनको क्या दिया गया है? एक अवार्ड दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड। बेस्ट मेल एक्टर कौन है? रणवीर कपूर। और बेस्ट फीमेल एक्टर कौन है? आलिया भट्ट। रणवीर कपूर को उनकी मूवी एनिमल के लिए दिया गया है और आलिया भट्ट को उनकी मूवी रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है बेस्ट लिरिक्स किसके हैं? तेरे वास्ते सॉन्ग के हैं, जो कि ज़रा हट के ज़रा बच के मूवी की है। एंड तेरे वास्ते किसने लिखा है? अमिताभ भट्टाचार्य जी ने लिखा है। एंड नेक्स्ट बात की जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? डेविड धवन को दिया गया है।